तो गाइज आज हम आपको लेकर चलते हैं बरेली के फेमस द ग्रैंड निर्वाणा रिजॉर्ट एंड होटल में। इस रिजॉर्ट में कुल मिलाकर 39 आलीशान कमरे हैं। जितना इसको बाहर से सुंदर तरीके से बनाया गया है उससे कई ज्यादा दोस्तों ये अंदर से खूबसूरत लगता है। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफी टाइम के बाद आ रहा है। वैसे हम लोग मतलब मेन बात बरेली में जाते रहते हैं फिनिक्स मॉल वगैरह, तो हमने कहा आज चलिए कितना अच्छी जगह जाते हैं और एक्सपेंसिव जगह चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। शायद यहाँ कुछ लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोगों ने नहीं, तो आप लोग बताना देख के कैसा लग रहा है। तो आप लोग पीछे देख के समझ गए होंगे ये कौन सा बैंक्वेट हॉल है और इसमें बारात वगैरह सब कुछ होती। तो हमने सोचा भाई चलो आज हम लोग पहली बार आए हैं तो दिल से अच्छा लग रहा है। तो चलिए बाकी दिखाते हैं आगे कि कैसा है। बाकी अंदर से काफी ज्यादा लग्जरी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और मेरा भाई कहाँ गया? हाँ ना जल्दी आ। तो हमारा भाई भी आ चुका है हमारे साथ में, ये भी फुल मजे लेता है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस चलो भाई किसी की बहुत बढ़िया। गाइज आप लोग देख सकते हैं ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी काफी दिन से तमन्ना थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आज वो तमन्ना गाइज फाइनली पूरी हुई है। तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको देखने में, इतना ज्यादा स्पेस है ना इसमें, बहुत ज्यादा। इधर आप देख सकते हैं इधर कितना ज्यादा ग्राउंड है, इधर देखिए कितना ज्यादा ग्राउंड है। चलिए चलते हैं गाइज आ जाओ। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये बरेली में इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के पास में आराम से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम बरेली से कहीं बाहर शहर में पहुंच गए हैं, ये लगता ही नहीं है कि बरेली में है। तो अब आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना ज्यादा खूबसूरत है। वाकई इसमें काफी अच्छे तरीके से डेकोरेशन की गई है जो कि देखते ही आंखों में भा जाती है। हमारा पापड़ आया था खाना खाने से पहले, तो हम फिनिश कर चुके हैं। तो ये दिखा रही इतना टाइम लग गया, तो एक सेकंड रुको मैं अपने भाई की मैं से लेके दिखाती हूँ। पापड़ ऐसा है, ऐसा पापड़ था, ऐसा समझ गए। गाइस हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारा ऑर्डर कंप्लीट होने में। अभी देखते हैं कितनी देर में हमारा खाना आता है और यहाँ का जो मेन्यू कार्ड है वो कैसा है, आप लोगों के बजट में या बजट से बाहर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जाकर ऑर्डर किया सैंडविच। सैंडविच के साथ में हमें ये चटनी साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज भी दिए गए थे जिसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। लो बेटा। तो फ्रेंड हम सैंडविच खा रहे हैं। सैंडविच तो अच्छा था, काफी लेट आया है ऑर्डर करने के बाद, अब आया तो आराम से खा लेंगे। पहले टेस्ट तो अच्छा है वैसे। तो गाइज यहाँ का जो सैंडविच था उसका टेस्ट वाकई काफी अच्छा था, बस दोस्तों इसको बनाने में इन लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया था। तो फाइनली हमारा खाना भी आ चुका है जो हमने ऑर्डर किया था। यहाँ से हमने लिया था रायता, पनीर की सब्जी, साथ ही साथ तंदूरी रोटी। और ये सब में कितना खर्चा आया ये हम आपको आगे बताएंगे। तो गाइज हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, हम लोग सीधे निकलेंगे बाहर। हम लोगों ने बिल के लिए कह दिया, देखो हमारा कितना बिल बन के आता है। जिसमें हमने क्या लिया था भाई, हमने सैंडविच लिया था और पनीर लिया था और नॉन रोटी ली थी, बस यही चीजें थी। और ये एक पानी की बोतल है, ये है 125 रुपए की। बाकी अभी देखते हैं हमारा बिल निकल के आता है। पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी बिल आता है तभी आपको। तो खाना खाने के बाद इनके द्वारा दिया गया हमें माउथ फ्रेशनर जिसमें से दोस्तों चार वैरायटी थी, आप कोई सा भी ले सकते थे। तो यहाँ से हमने भाई इसको तो जरूरी लिया क्योंकि ये बस फ्री था, बाकी यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। तो इस फ्री की चीज का तो मजा लेना बनता है। बाकी हमारा बिल कितना का बना वो मैं आपको बता दूं, हमारा बिल बना था 2000 रुपए का। यहाँ पर गाइस जो मुझे सबसे महंगी चीज लगी वो थी पानी की बोतल। एक पानी की बोतल का जो चार्ज था वो था 120 रुपए। तो गाइस जो खाने का स्वाद था वो एवरेज था। मैं ये नहीं कह सकती कि इसके जैसा खाना बरेली के किसी दूसरे रेस्टोरेंट में नहीं मिलता भाई। और भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है जहां पर इनसे भी अच्छा खाना मिलता है, तो आप लोग बस एक बार यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस जरूर करें कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है। और आप लोग यहाँ पर इनका फूड टेस्ट एक बार आकर जरूर करें। हमने तो कर लिया भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब आते हैं। बाकी आप लोग कब आ रहे हो कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।